अय्यूब की पुस्तक अध्याय 20। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 20। तब नामाती सोपर ने कहा, मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं, और इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूं। मैंने ऐसी चुनौती सुनी जिससे मेरी निंदा हुई, और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार तुझे उत्तर देती है। क्या तू यह नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया, कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है, चाहे ऐसे मनुष्य का महात्म्य आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वह अपनी विष्ठा की नाई सदा के लिए नाश हो जाएगा, और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे कि वह कहां रहा। वह स्वप्न की नाई लोप हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा। रात में देखे हुए रूप की नाई वह रहने न पाएगा। जिसने उसको देखा हो फिर भी उसे न देखेगा, और अपने स्थान पर उसका कुछ पता न रहेगा। उसके लड़के वाले कंगालों से भी विनती करेंगे, और वह अपना छीना हुआ माल फेर देगा। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे बुराई उसको मीठी लगे, और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा रखे, और वह उसे बचा रखे और न छोड़े, वरन उसे अपने तालू के बीच दबा रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा, वह उसके अंदर नाक का सा विष बन जाएगा। उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा, परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। वह नागों का सा विष चूस लेगा, वह करेत के डसने से मर जाएगा, वह नदियों अर्थात मधु और दही की नदियों को देखने न पाएगा, जिसके लिए उसने परिश्रम किया उसको उसे लौटा देना पड़ेगा, और वह उसे निगलेगा, पाएगा उसकी मूल ली हुई वस्तुओं से जितना आनंद होना चाहिए उतना तो उसे न मिलेगा, क्योंकि उसने कंगालों को पीसकर छोड़ दिया, उसने घर को छीन लिया, उसको वह बढ़ाने न पाएगा। लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसके लिए वह अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा न सकेगा, कोई वस्तु उसका कौर बिना हुए न बचती थी, इसलिए उसका कुशल बना न रहेगा। पूरी संपत्ति रहते भी वह सकेति में पड़ेगा, तब सब दुखियों के हाथ उस पर उठेंगे। ऐसा होगा कि उसके पेट भरने के लिए परमेश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा, और रोटी खाने के समय वह उस पर पड़ेगा। वह लोहे के हथियार से भागेगा और पीतल के धनुष से मारा जाएगा। वह उस तीर को खींचकर अपने पेट से निकालेगा, उसकी चमकीली नोक उसके पित्त से होकर निकलेगी, भय उसमें समाएगा, उसके गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा। वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूंकी हुई न हो, और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वह भी भस्म हो जाएगा। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी, उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी, वह उसके क्रोध के दिन बह जाएगी। परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का अंश और उसके लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है।